दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, क्या बताने वाले हैं कि बीएनएमयू मंडल यूनिवर्सिटीज के बारे में। बीएनएमयू मंडल यूनिवर्सिटी में अगर आप अप्लाई किए थे ऑनलाइन स्नातक एडमिशन के लिए या बीए या बीएससी या बीकॉम किसी भी के लिए अगर आप ऑनलाइन अप्लाई किए थे एडमिशन के लिए, लेकिन अप्लाई तो आप कर दिए लेकिन आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, ना फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट में, ना सेकेंड में, ना ही थर्ड में, थर्ड में भी नहीं हुआ, किस तरह आप कर सकते हैं। और आप कॉलेज चेंज कर रहे हैं तो कॉलेज भी चेंज नहीं हो रहा है, अगर सब्जेक्ट चेंज कर रहे हैं तो वो भी नहीं हो रहा है, तो आप कैसे एडमिशन ले सकते हैं, ये जानने के लिए आपको वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, हम आपको विस्तार से बताएंगे। तो चलिए मैं आपको बीएनएमयू की मंडल की वेबसाइट पे ले जाता हूँ। ये बीएनएमयू की मंडल की वेबसाइट है जहां से आपने अप्लाई किया होगा। तो जैसे यहाँ आएंगे तो यहाँ पे देख लीजिए गाइडलाइंस एंड हेल्प फाइल, तो यहाँ देख लीजिए दिया गया है गाइडलाइन एंड हेल्प फाइल, यहाँ पे दिया गया, यहाँ अभी न्यू पोस्ट किया गया है। न्यू पोस्ट क्या किया गया मैं बता देता हूँ आपको, यहाँ पे देखिए न्यू पोस्ट किया गया जो कि 10 जुलाई 2019 को किया गया है। यहाँ पर एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है, इस नोटिफिकेशन पे क्लिक करेंगे, जैसे ही आप क्लिक करेंगे इस नोटिफिकेशन पे तो आपके आपके पास ये डाउनलोड हो जाएगा। ये देख लीजिए ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है भूपेन नारायण मंडल यूनिवर्सिटी के द्वारा, विश्वविद्यालय के द्वारा। यहाँ पे आप पढ़ लीजिएगा, अच्छी तरह से समझ लीजिएगा। तो सिंपली से मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे देख लीजिए बताया गया है चयनित नहीं होने वाले रजिस्टर्ड छात्रों को पहले आओ पटल पाओ की तर्ज पर नामांकन, और यहाँ पे दिया गया नामांकन से वंचित, नामांकन से वंचित छात्राओं का नामांक रजिस्ट्रेशन आवेदन ऑनलाइन, ये दिनांक 14 तारीख से होगा, यानी कि 14 जुलाई से इसका जो होगा फिर से आवेदन लिया जाएगा ऑनलाइन, जिसका जिसका नामांकन नहीं हुआ है तो 14 जुलाई को वो ऑनलाइन आवेदन करेंगे, सिर्फ एक दिन का उनको समय दिया जाएगा 14 जुलाई को। इसलिए मैं आपको एक दिन पहले यानी कि 13 जुलाई को ये वीडियो बना के दे रहा हूँ ताकि आपको छूट न जाए। तो यहाँ पे बताया गया 14 जुलाई को यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन लिया जाएगा फिर से, सिर्फ एक दिन, उसके बाद जो नामांकन जो होगा जिसका अप्लाई होगा ऑनलाइन अप्लाई होगा तो उसका नामांकन जो होगा वो आपको यहाँ पे देख सकते हैं 15/7 को, 14 तारीख को आपको अप्लाई करना होगा, 15 जुलाई को आपको जिस कॉलेज में होगा वहां पे आपको जाकर नामांकन लेना है। तो यही यहाँ बताएगा सिर्फ एक दिन का, फिर से आपको ऑनलाइन करना होगा, फिर से आपको आवेदन करना होगा। दोस्तों यहाँ बता दूं आवेदन करेंगे तो क्या फिर से हमसे चार्ज लिया जाएगा, ये हमें नोटिफिकेशन में नहीं बताया गया है, ये आप देख लीजिएगा। अगर आप चाहे तो मैं वीडियो भी बना कर बता दूंगा आपको नेक्स्ट जब स्टार्ट हो जाएगा तब, अभी तो स्टार्ट नहीं हुआ है क्योंकि आज 13 तारीख है, ये 14 तारीख से स्टार्ट होगा। तो ये नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया कि फिर से पेमेंट लगेगा या नहीं लगेगा, लेकिन आप 14 तारीख को ऑनलाइन अप्लाई कर दीजिए अगर आपका थर्ड सिलेक्शन लिस्ट में भी नाम नहीं आया है, उसके बाद आप 15 तारीख को एडमिशन ले सकते हो। तो 14 तारीख को जैसे लाइव होगा तो मैं उसका वीडियो अलग से बना दूंगा, तो वीडियो कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट करके हमें बता दीजिए ताकि हम आपके लिए अच्छी से अच्छी हर एक तरह की वीडियो लाते रहें बहुत जल्द।